लक्ष्मी की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लेकर आई हूँ काले चने और ब्रेड का बना एकदम हेल्दी नाश्ता, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी होगा। तो हम बनाना शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए आप चने को 4 से 5 घंटे पहले भिंगो दें। हम इसको ज़्यादा देर पहले भिंगो चुके हैं, इसलिए इसमें अंकुरित हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसी का बनाएंगे। लेकिन आपको जब भी बनाना हो तो 4 से 5 घंटे के लिए चना को भिंगो दे और फिर उसके अच्छे से पानी निकाल ले। अब हम मिक्सर जार में चने को डालकर पीस लेंगे। चना को हम पीस चुके हैं और अगर पीसते वक्त थोड़ा सा आपको सख्त लग रहा है तो आप इसमें से 4 से 5 बड़े चम्मच पानी डाल सकते हैं, लेकिन ज्यादा पानी एक साथ न डाले, थोड़ा थोड़ा करके डालें। और आप देख सकते हैं बारीक हम पीस चुके हैं। में हम मिक्सर जार में ब्रेड को तोड़कर डाल देंगे, पीस लेंगे। ब्रेड का पाउडर भी मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें मिक्स करेंगे 1 बारीक कटा हुआ प्याज, मीडियम साइज का है, 2 बारीक कटा हुआ हरी मिर्च, धनिया के पत्ती, 1 बारीक कटा हुआ टमाटर और 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। चावल का आटा डालने से होगा ये बहुत क्रिस्पी बनेगा। डालेंगे 1/4 चम्मच, छोटा 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है, और थोड़ा सा जीरा, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। नमक स्वाद अनुसार। अब हम सभी को मिक्स कर देंगे। एक ही तरह का चना का सब्जी खाते खाते अगर आप बोर हो चुके हैं तो इस तरह से एक बार नाश्ता जरूर बनाकर ट्राई करें। अब सभी को हम कर चुके हैं मिक्स। गैस पे एक पैन चढ़ाएंगे। सभी को हम मिक्स कर चुके हैं। अब इस तरीके से हाथ पे हम इसको गोला करके थोड़ा सा बीच से दबा देंगे। आप अपने कोई भी मनपसंद का आकार दे सकते हैं। आप चाहें तो इसे इस तरह लंबा बना सकते हैं। तब पैन हो चुका है गरम। पैन में हम ऑयल डाल चुके हैं और ऑयल हो चुका है गरम। अब हम इसमें एक एक करके डालते जाएंगे। इस तरीके से जितने इसमें आ सके हम इसमें पकौड़ियाँ डालते जाएंगे। फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है। इस बात का ध्यान रखें, ज़्यादा तेज करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब हम इसके साथ खाने वाली एकदम चटपटी सी चटनी तैयार कर लेंगे। चटनी बनाने के लिए हम 6 आंवला लिए हैं, जो अभी बरसात के सीजन में बाजार में इजली मिल जाता है। थोड़े से पुदीना का पत्ती है, 2 हरी मिर्च है और 4 लहसुन की कलियां हैं। तो आप इसके जगह, आप आंवला के जगह टमाटर का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसको बीच से काट लेंगे। अब हम पकौड़े सीख चुके हैं, पलट देंगे इसको। सुपर एकदम, आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर आया है। आप देख सकते हैं एकदम गोल्डन फ्राई हम किए हैं। खाने में जल्दीबाजी ना करें। और ये जो इसमें हम ब्रेड और चावल का आटा डाले हैं, इससे ये बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बनेगा।
अब हम चटनी को पीस लेंगे। हम पीस चुके हैं, अब इसमें नमक मिक्स कर देंगे। दोनों तरफ से अच्छे से हम इसको लाल कर चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। पकौड़े खाने के साथ साथ अगर हेल्दी हो तो मजा ही आ जाता है। प्लेट में निकाल लेंगे। इससे होगा ये कि पेपर सारे तेल सोख लेगा। और बना लेंगे। पकौड़े बनकर तैयार हैं और आप देख सकते हैं ये अंदर तक कितना अच्छे से पका है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये पकौड़े की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।